अस्मद्गुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वोपद्रवनाशनं वंदे रामानुजार्यश्च नित्यं पादाम्बुजद्वयं श्रीसरयूतट विहारिणे नमः श्रीकनकभवन विहारिणे नमः श्रीप्रमोदवन विहारिणे नमः वानाद्रियोगिपदपङ्कजसक्तराधा कृष्णाख्यदेशिकपदाम्बुजभृङ्गराजं श्रीवेङ्कटेशपदमानसहंससीता रामार्यदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये सरव्याः दक्षिणे तीरे अयोध्यानां निधामनी सुकुमारासनस्थ श्रीसीतारामाय मंगलम् लघु श्री सीएपी मिलन छंदावली श्री श्री स्वामी जी सरकार का यह संदेश है। श्री सीएपी मिलन छंदावली दिव्य कृपा की साक्षात मूर्ति है, उसमें भगवान की स्थापना है, इसलिए उसका सवेरे या रात्रि में मधुरता से गान करना, जरूर ही भगवान मिलेंगे। छंदों का गान एवं अभ्यास करना, अभ्यास से सब कुछ हो सकता है, यह हमारे मुंह से भगवान ने कहवाया है। भगवान से जो मिलने के लिए इन छंदों का पाठ अभ्यास करेंगे तो उन्हें जरूर ही भगवान मिलेंगे, इसमें जरा भी फर्क ना समझिए। जिसके चरण संबंधते है पूरी धाम प्रदायिनी, जिसके चरण पंकज लगे सरयू भई जग पावनी, जिसके चरण को परसी कौशल तीर्थ मुकुट कहावता, प्रिय मोर अवध किशोर सो क्यों नयन पथ नहीं आवता, सर्वज्ञ अरु सर्वत्र हो यदि सुनेंगे बिनती नहीं, फिर तो श्रीतन को शरण इस जग में मिलेगा नहीं कहीं, मातृशित छाया निरख कर जब सिंधु ही सुख जाएगा, फिर कौन कुपरु सरित जो लखित रसित जन ठहरायगा, तक रटू तव नाम हा श्री मुख छटा निरखे बिना, उद्वेग तो जाता नहीं घबड़ात मन छिनही छिना, यह धैर्य अरुणय ठुर्य आश्रित मिलन हित कह पा गए, वह दया कित को गई जिससे खुद ही चरण दबा गए, हम तो भये वे शर्म तुम तो शर्म धोकर पी लिए, श्री मुख सुना श्री कर छुला बेचैन करी कहाँ चल दिए, कई वर्ष हमको हो रहा इस दशा में मरते हुए, मन तो हमारा मानता नहीं तुम तो बेदर्दी भये, पहले क्यों तुम अवधपुरी अति प्रिय लगती थी, जित देखो तित कमल नयन मीव मन ठगती थी, सर्वत्र ही अणु अणु माय दिखती प्रिय झांकी, अब क्यों हम पर होय रही दृष्टि तव बांकी, तुम तो ऐसी नहीं बनो सप्तपुरी शिर मोर, छिप्यो कहाँ मम प्रिय रतन बतला दो वह ठोर, क्यों सरयू अति सरस हो या बनी रस बनी हो,
क्यों न दिखावहु मुझे मोर दृग रतन धनी हा। तुम्हरे तट पर नागर नट नित खेलन आवे, हमरे लोचन पथ वह आवत क्यों शर्मावे। ने कहु तो करुणा करो कहो उसे सरसाय, छिप जावे फिर भले पुनी एक बार दर्शाय। पौष पंचमी प्रात रात जो मोहि मिला था, चढ़ी तुरंग जो चपल जात सो ग्रीवटिला था। जो आकर मम शयन सदन मम पाय दबायो, गट्टानी ग्रह जौन मोहन मिश्री पयलायो। जो अनुछन मम संग फिरत छिड़कत अत्तर खास, सो क्यों होतन नयन पथ राघव राम निवास। प्राकृत पितारो पुत्र जिमि प्रत्यक्ष हिलिमिलि रहत है, दाम्पत्य जिमि इस जगत में दुख सुख परस्पर कहत है। अब तो उसी भांति जीवन का विशेष बितावना, चित चहत तुम्हारे संग हिलि मिलि प्राण प्रिय मन भावना। होने सिवा सरकार हमारे हाथ में क्या जोर है, सुनना हमारा शोर तुमको फर्ज नंद किशोर है। सर्व भांति समर्थ दीन दयाल करुणा सागरा, कर कान दे अति अद्यैव सोनान सोहत सांवरा। हर वश पड़ाऊं क्या करूं पर ब्रह्म तो सुनते नहीं, सेवा सिवा है चाहना हमको तक छूनते नहीं। गुरु कृपा ते आगे जो हमको नित्य सेवा प्राप्य है, उसका ही पूर्व स्वरूप अब ही उदय होना प्रार्थ है। नए घाट के गयल मिलहु कहूँ चैल छबीले, चाहे जान की घाट गयल पहिने पटतीले। अथवा मणि पर्वत नजीक के बन झारी में मिलिए, चाहे अवधन पति के फुलवारी में। राजघाट अथवा छयल चाहे मांझा में मिलो, जन्मभूमि समीपवा चाहे श्री नवरत्न टिलो। हे श्री सरयू मातु कतहु दिखलावहु रामा, प्रकट दर्श बिन नयन लहत नहीं कहूँ विश्रामा। दिखलावहु निज घाट निकट कतहु रघुराई, गद गद हृदय हमार होय लोचन फल पाई। हे सरयू श्री सिय सखी दिखलावहु सिय कंत, जिसके हैं अति प्राण प्रिय विरही अकिंचन संत। सच्चा जो है विरही न सुख वह जगत में कहूँ पायगा, प्रिय राम बिन आराम उसको जहर सम दर्शायगा। धड़कनी न उसके हृदय से तजी हृदय तलक हूँ जायगी, जो लोन आवह मधुर मूरति अंग
हरि मम स्वामिनी श्री जनक जे। अब तो परिश्रम देन में सरकार को बहुत ही लजे। मैं क्या करूं श्री चरण तजी हम को न कतहूं ठवर है। हम दीन सब विधि हीन का तो आप ही तक धवर है। सिय पिय मिलन छंदावली में बहुत ही विनती किया। जो दे चुके सो देते हैं आगे न अब बढ़ते पिया। मेरे मनोरथ मुजब स्वामिनी उन्हें आप मिलाइए। नहीं सुने तो निज महलते गरिमान तुरत निकालिए। सरकार शक्ति करे तो वह क्षमा मांगत मिलहिंगे। सब शान और गुमान तज कर जोरी दृगढ़ी खिलहिंगे। सरकार का रुख देखी वह नित मिल नहीं तभी आएंगे। करनी अपानी याद कर शरमाय फिर न सतायंगे। श्री सिया जू नाराज है सरकार को है खलबली। सरकार को घबड़ हटी है समझा रही है सब अली। हलचल मची है महल में परिकर सभी बेचैन है। नहीं मान तजती है सिया बित गई सारी रयन है। सरकार तजिए मान कछु सम्मान करिए पीव का। लखिए रहा मुरझाय मन श्री राम जीवन जीव का। लहना नजर सरकार का सरकार का तन त्राण है। सरकार तो सरकार का आधार जीवन प्राण है। विनती श्रवण करी सखी न की खोली सिया जू नयन है। हल चल हृदय से स्वामिनी जू बोल उठी बयन है। कई दिनों से आ रही है अर्जी हमारे चरण में। मर्जी मुजब क्यों मिलत नहीं जब पड़ी इनके शरण में। पीत पट छंदानुगुण जा प्रथम मिलिए कांत में। फिर बाद आपग धरे प्रिय हमरे महल के प्रांत में। इस भांति से श्री मुख वचन सुनि सिया जू का सांवला। शर्मात कछु मुस्कात मिलने चलो अति उतावला। प्यारे मिले सफलित भई सिय पिय मिलन छंदावली। मैं लखी धूने भी लखी मुसुकात मूर्ति सांवली। इच्छा हुई परिपूर्ण श्री सिय स्वामिनी संबंध ते। जय हुआ मंगल हुआ श्री गुरु पद्म पद मकरंद ते। इस देह में हरि मिलत है इस बात को भूलना नहीं। मन इंद्रियां वश है नहीं कलिकाल का तिजोर है। नहीं भक्ति ज्ञान विराग है इस चक्र में पड़ना नहीं। जो पंथ है हरि मिलन के
एक सुकृत दूसरी हरि कृपा निज कृपा श्रित को सुगम हरि संशय में करना नहीं बैठत उठत घूमत फिरत बस यही नाद लगाय दे नर देह जिसने दिया सो प्रिय दर्श आय दिखाय दे यों ही करत कछु दिवस में बेचैनता बढ़ी जायगी फिर आप ही वह मधुर मूर्ति अंक भरी लिपटायगी जो कहत कि भगवान त्रेता के समान न मिलत है कली महक दाचित ही किसी के पूरक मल मह खिलत है वह संत श्री भगवंत वास्तव में तुम्हें जाने नहीं तुम सत्त त्रेता द्वापर उते सुलभ हो कली मह सही प्रिय मिलन हित पढ़ी है जो नित सिय पिय मिलन छंदावली एकांत में उन पर कृपा करी है अवश्य श्री मैथिली अति प्रेम से स्वर मधुर से एकाग्र मन से सोते पढ़ी है मिली है उन्हें हरि नयन गोचर होवते स्वामी जी का लाल जी का स्वामी जी सरकार का लाल जी सरकार का सुगम सिंधु सरकार का पूर्वाचार्यों का समस्त भागवत गोष्ठी का भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय हो।